भगवत धाम में माया प्रवेश कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वहां भगवान ने अपने तेज से माया को नष्ट कर रखा है, उसके तेज को दबा रखा है। उन परम सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। अग्रिम श्लोक में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मल सराणाम सताम। ये भागवत धर्म क्या है? प्रोज्जित कई तव धर्म है, जो परम धर्म है। देखो यही अंतर है वैदिक धर्म और भागवत धर्म में। वेद तो ये सिखाता है आप ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इससे मोक्ष मिलेगा, इससे उस लोक का सुख मिलेगा, इससे सदगति होगी, इससे वहां गति होगी। तो वैदिक धर्म मोक्ष को पाना सिखाता है, लेकिन भागवत धर्म प्र माने मोक्षानुसंधि, मोक्ष को छोड़ना सिखाता है। कि भक्त मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते हैं। इधर उधर की सदगतियां और अन्य लोकों की, अन्य पदों की तो क्या चलाई, मोक्ष की इच्छा भी भक्त को नहीं होती है। उस मोक्ष की इच्छा को त्यागना ही भागवत सिखाती है, भागवत धर्म सिखाता है। मोक्ष को छोड़ने की शक्ति भागवत देती है। ये कई तो रहित धर्म है। कई तो कहते हैं कपट को। इस धर्म में कोई कपट नहीं है। कपट क्या होता है? गोसाई जी महाराज ने वर्णन किया, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। स्वार्थ छल फल चारी बिहाई, स्वार्थ छोड़कर। स्वार्थ क्या है? चार फल हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनकी जरा भी मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए, जरा भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। मोक्ष तक को छोड़ना भागवत धर्म सिखा रहा है। सेवक हित स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। जिस धर्म में कैतव आ गया, कपट आ गया, हम भगवान से मोक्ष चाहते हैं, या हम भगवान से सदगति चाहते हैं, या हम अच्छे स्वर्ग आदि का हम लोग भोग चाहते हैं, या व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं, या अपना सुख सुविधा चाहते हैं, तो वहां वो धर्म कपट का धर्म हो गया, वो भक्ति कपट युक्त भक्ति हो गई। निष्कैता भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, निष्कपट भक्ति तभी बनेगी जब भगवान से कोई भी इच्छा मन में नहीं रहेगी। ऐसे भक्त थे केवट जी, कैतव रहित धर्म था उनका। जिस समय राम जी को पार कराए हैं तो राम जी ने उनको मणि जटित मुद्रिका देने की इच्छा की। राम जी मुद्रिका दे रहे हैं और केवट मना कर रहा है, दीयमानं न गृह्णन्ति। भगवान दे रहे हैं और वो नहीं ले रहा है। अगर ले लेता केवट तो कितनी पीढ़ियों की रोजी रोटी का उसका सब हिसाब किताब हो जाता, उसका सब व्यवस्थित हो जाता। लेकिन मणि जटित मुद्रिका भगवान दे रहे हैं और केवट नहीं ले रहा है। तो राम जी ने सोचा ये लक्ष्मण का चेला है, लक्ष्मण जी की बात मान सकता है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भैया तुम ही कहो तुम्हारे चेले को हम दे रहे हैं तो लेता क्यों नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ले लो, भगवान दे रहे हैं, राम जी दे रहे हैं। आज तो केवट ने गुरु जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं लूंगा। जैसे प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को फटकार दिया, जब नरसिंह भगवान ने कहा तू वरदान मांग ले, तो बोले आप मुझे लोभ सिखा रहे हो, मांगना सिखा रहे हो। हे नाथ, संसार में किया क्या मैंने, मांगा ही तो मांगा है, अब तो जैसे तैसे हिम्मत जुटाई है कि मैं मांगना छोड़ दूं, और अब आप फिर मुझे लोभ में डाल रहे हो। मामा प्रलोभे उत्पत्त्या सक्तम कामेषु कैर्वरे, आप मुझे लोभ मत सिखाइए। तो वैसे ही यहाँ गुरु जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया ले ले, लेकिन सच्चा शिष्य है, निष्कैतव धर्म है, बोले बिल्कुल नहीं लूंगा। राम जी ने जानकी को इशारा किया, देखो कभी कभी बालक किसी की बात न माने लेकिन माँ की बात मान लेता है। संकेत किया आप ये समझाओ ले, लेकिन बहुत कीन करुणा है, नहीं कछु केवट ले। बहुत प्रयास किया, राम जी भी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं, जानकी मैया भी कह रहे हैं, लेकिन केवट ने नहीं लिया। और जब नहीं लिया तो फिर बिना कीन करुणा है भक्ति विमल वर दे।
जब उसने उस मुद्रिका को नहीं लिया तो उसके बिना मांगे भगवान ने उसको भक्ति दे दी। अगर वो मुद्रिका ले लेता तो क्या उसको भक्ति मिलती? कभी नहीं मिलती। भगवान भी बड़े चतुर हैं। भक्ति आपनी देना ना कही, कहेंगे भाई स्वर्ग ले ले, तू मोक्ष ले ले, तू सिद्धि ले ले, रिद्धि ले ले, लेकिन भक्ति देने के लिए भगवान भी कभी नहीं कहते। लेकिन जो चतुर भक्त होता है, आप कहो या ना कहो, हमें तो भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मोक्ष को छोड़ना भागवत धर्म सिखाता है, इसलिए इसको परम धर्म कहा। इससे आगे कोई धर्म नहीं है। इसीलिए ये सबके सामर्थ्य की बात भी नहीं है। निष्कायितव धर्म में सबका प्रवेश नहीं है। और हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो छोटे छोटे चीजों के ऊपर जिनकी जिनका मन विचलित हो जाता है, मन फिसल जाता है, वो मोक्ष को क्या छोड़ेंगे? तो हम जैसे लोग तो अभी छोटी छोटी वस्तु पदार्थों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मोक्ष छोड़ने की ताकत कहाँ है अभी हमारे अंदर? इसलिए व्यास जी कह रहे हैं निर्वत्सराणाम सताम, ये हमारे तुम्हारे तो अधिकार की चीज है ही नहीं। हमारे तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है कि इस परम धर्म को हम सुन लें और कह लें। ये निर्वत्सर संतों के ही अधिकार की वस्तु है, उन्हीं के अंदर इसको लेने सुनने की पात्रता है। क्या है इसमें? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शब्दम तापत्रयम मूलनम, जानने योग्य वेद्य वस्तु भगवत तत्व का निरूपण है, जो लोक में भी कल्याण करता है, मरने के बाद परलोक में भी कल्याण करता है। किसने बनाया? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते श्री व्यास जी ने इसे बनाया है। किम वा परे ही, और जिसने भागवत का श्रवण कर लिया, पठन कर लिया, उसे देख पढ़ लिया, सुन लिया, उसको फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने लिखने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती, क्योंकि सार जाता भागवत की कथा, ये सबका सार है। भागवत कथा नहीं है, कथा का सार है। और इतनी शक्ति इसके अंदर है कि सत्यो वृद्धि वरुद्गति प्रकृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा। कथा हमने सुनी नहीं, मान लो बैठे बैठे सुनने की इच्छा पैदा हो गई, तभी भगवान कृपा करें ऐसा अवसर दें एक बार कथा सुन ले। अगर सुनने की इच्छा भी पैदा हो गई तो भगवान हृदय में आके बंदी बन जाएंगे, और अगर साक्षात सुन ली तो फिर तो उसकी महिमा का कहना ही क्या है। सुनने की इच्छा मात्र से जब ईश्वर हृदय में अवलंब बंदी बन रहा है, तो जिसने इसको सुन लिया उसकी महिमा को शेष महेश भी क्या गा पाएंगे। अब भागवत जी के विषय में कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुक मुखादं मृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भावका। कैसा है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। देखो परीक्षित जी जब कथा सुनने बैठे, सुखदेव जी ने अन्य किसी ग्रंथ की चर्चा न करके केवल भागवत को ही उठाया। क्यों? क्योंकि तोता जो होता है वो मीठे फल में ही चोंच मारता है। उसको दैव के द्वारा ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, उसे पका होता है। वृक्ष में हजारों फल लग रहे हैं, पर इनमें से कौन सा फल मीठा है और पका हुआ है, वो उसी में जाके चोंच मारता है। तो सुखदेव जी जो है, ये भी तो श्री राधा रानी के लालित पालित तो सुख है तोता। इन्हें भी पता है कि सारा जाता भगवती कथा सारमयी कथा तो भागवत जी की है, रसमयी कथा। तो सीधे भागवत जी में ही उन्होंने अपनी चंचू मारी, भागवत को ही कहा सुनाया और उसी ग्रंथ को नहीं उठाया। शुभ मुखा जब संयुतम, शुभ मुखादम मृत द्रव संयुतम, और जैसे लोग में कहा जाता है ना कि जिस फल को तोता खा लेता है वो बहुत मीठा हो जाता है। दो कारण है, एक तो तोता मीठे फल में ही चोंच मारता है, दूसरा वो जब चोंच मार देता है तो वो और मीठा हो जाता है। तो भागवत पहले से ही बहुत मधुर ग्रंथ है कृष्ण कथा होने से, लेकिन सुखदेव जी ने जब से इसको कहा है तब से इसमें मिठास और अधिक आ गई, और मधुर हो गई ये, और आस्वाद्य हो गई, आस्वादन करने योग्य हो गई।
तो इसका आस्वादन कब तक करें, ये कैसा फल है? बोले रसमय। जैसे और फलों में तो किसी का गुठली फेंकनी पड़ती है, किसी का छिलका फेंकना पड़ता है, ये ऐसा रस है कि इसको केवल पीते जाओ, इसमें छोड़ने योग्य फेंकने योग्य तो कोई वस्तु है ही नहीं। ये रसरूप ग्रंथ है, रसरूप फल है। तो फिर कब तक इसका पान किया जाए? तो बोले आलयम, जीवन की आखिरी श्वास तक। चाहे किसी भी अवस्थिति पर आप हैं, चाहे जीवन मुक्त ही क्यों नहीं हो गए, जीवन मुक्त होने के बाद भी जीवन मुक्त आत्माओं को भी इस रस को पीते हुए देखा गया है। सुखदेव जी जीवन मुक्त हैं, सनकादिक मुनि जीवन मुक्त हैं, लेकिन जीवन मुक्त होने के बाद भी वे इस रस को पी रहे हैं। मुक्तावस्था के बाद का ये रस है। तो बोले इसको पीने के लिए कोई नियम नहीं है, एक बार पिए या दो बार पिए या चार बार पिए, यानी एक बार कथा सुने या दो बार सुने ना। आलय माने जब तक मर नहीं जाते हो, जीवन की आखिरी श्वास तक इसे सुनते रहो, कहते रहो, पीते रहो, स्मरण करते रहो, मुंह रहो रसिका भूमि भाव का। मुंह माने बार बार पियो, बार बार कौन पिएगा? रसिका, जो रसिक होगा वो पिएगा। बाकी हम जैसे लोग तो एक डेढ़ घंटे में ही उग जाते हैं, बस हो गया अब तो समय हो गया, अब चलो घर चलो। जो रसिक होगा वो बार बार पिएगा, वो इसको पिए बिना रह नहीं सकता। तो भगवत कृपा से इसका रस मिल जाए और हम इसके रसिक बन जाए। जैसे हनुमान जी के लिए कहा ना, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, वो रसिक श्रोता है जो इसको सुनकर कहकर कभी तृप्त नहीं होते हैं, कभी अघाते नहीं है। शौनक जी महाराज भी क्या कह रहे हैं, वयम तुना वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमम, वयम तुना वितृप्याम, महाराज और कथा सुनाओ, हमें इसको सुनकर तृप्ति नहीं हो रही है। इस कथा की यही विशेषता है, इस कथा रस को जो जितना पिएगा उसकी उतनी प्यास बढ़ जाएगी और सुनने को मिले और ये रस का आस्वादन करने का अवसर मिले। और जो तृप्त हो गया उसको समझ लो रस ही नहीं मिला। तो यहाँ बहुत सुंदर इस श्लोक में भाव कहा है व्यास जी महाराज ने। आगे शौनक आदि महर्षिगण सूत जी से प्रार्थना किए हैं, अन्य कथाओं को सुनने की इच्छा किए हैं, भगवत कथा श्रवण करने में एक ऐसा अद्भुत आनंद आता है। संसारिक पदार्थों में क्या होता है, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, अगर आप उसका ज्यादा उपभोग करोगे तो एक दिन उससे नफरत हो जाएगी। मान लो किसी को खाने में कोई पदार्थ अच्छा लगता है, आप उसको एक बार खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा, दूसरी बार खाएंगे थोड़ा आनंद कम हो जाएगा, तीसरी बार खाएंगे तो और कम हो जाएगा। किसी व्यक्ति को लड्डू अच्छा लगे, एक लड्डू खिलाओ खुश हो जाएगा, दूसरा खिलाओ खा लेगा, तीसरा चौथा खिलाओ तो भाई अब थोड़ा मन भी भर गया, पेट भी भर गया, और उसको 10 लड्डू खिला दो तो उल्टी कर देगा। लेकिन इस कथा में ये विशेषता है कि आप इसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार इसमें एक नए आनंद की अनुभूति होगी, एक नए रस का अनुभव होगा और अधिक पिपासा और अधिक प्यास बढ़ेगी। और किसी को लड्डू खिला खिला के उसको वमन करा दो, उल्टी करा दो, तो हो सकता है उसे ऐसी घृणा हो जाए भविष्य में लड्डू को देखना भी ना चाहे, पर यहाँ उल्टा है। आप जितना इसको पियोगे उतनी पिपासा और पीने को मिले और सुनने को मिले और सुने उतनी पिपासा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कोई लौकिक पदार्थ नहीं है। इसलिए शौनक जी कह रहे हैं वयम तुना वितृप्याम, महाराज हम तो इसको सुनकर कभी तृप्त ना हुए ना अब भी हो रहे हैं, आप और सुनाओ और फैलाओ ये रस। तो यहाँ शौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी से, शास्त्रों का सार क्या है, कल्याण का साधन क्या है, कल्याण क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उन्होंने कौन कौन से अवतार लिए,
और उनके धाम गमन के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने किए हैं। सूत जी महाराज ने इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है, बड़ा सुंदर समाधान किया है, जिनमें पहली चीज वो बता रहे हैं, पहले ये समझा जाए कि धर्म किसको कहते हैं। व्रत करना धर्म है या दान देना धर्म है या सत्य बोलना धर्म है, कौन सी क्रिया धर्म है? तो बड़ी सुंदर बात सूत जी कह रहे हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अरुक्षये। हमारी जो क्रिया से हमें श्री ठाकुर जी के चरणों में अधिक अनुराग की प्राप्ति, प्रेम, हमारा प्रेम जिससे बढ़ रहा हो, वही क्रिया परम धर्म है। चाहे वो कथा सुनने से बढ़ रहा है, चाहे वो नाम संकीर्तन से बढ़ रहा है, चाहे वो भगवान का ध्यान करके बढ़ रहा है, या तो भक्ति अभुक्षले, जिसके द्वारा, जिस साधन से हमारी भक्ति बढ़ रही है, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ रहा है, हमारे लिए वही सबसे बड़ा धर्म है। और देखा जाए तो श्रवण और कीर्तन से जितनी जल्दी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, अन्य साधनों से उतनी शीघ्र नहीं होती है। श्रवण और कीर्तन, प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के अंगों में, भक्ति के 9 अंगों में सबसे पहले यही था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सुनो और गाओ, ये सबसे जल्दी अनुराग देगा, ये सबसे जल्दी प्रेम उत्पन्न करेगा। और अहितुक्य व्यवहिता, अहितुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, परम धर्म का लक्षण होता है कि वो बिना कामना के होता है, निष्काम होता है, और वो कभी, उसकी गति कभी मंद नहीं पड़ती, वो कभी धीमी गति में नहीं आता है। सूत जी महाराज ने आगे पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन किया, 4 चीजें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में ही जीवन की सार्थकता समझी गई है। लेकिन यहाँ बड़ी विलक्षण सिद्धांत को सूत जी महाराज रख रहे हैं, धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतम्। धर्मस्य याप वर्गस्य, बोले धर्म का फल, धर्मस्य याप वर्गस्य, धर्म किसके लिए है? मोक्ष के लिए। नार्थो, अर्थ के लिए धर्म नहीं है। हम सोचे भाई कथा के द्वारा या कीर्तन के द्वारा हम धनोपार्जन कर ले, हम धन कमा ले, हम प्रतिष्ठा कमा ले, तो बोले नहीं नहीं धर्म का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति नहीं है। लेकिन आजकल हम लोगों ने धर्म का लक्ष्य धन बना दिया है। धर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमें धन मिले। लोग कहेंगे महाराज ऐसा कोई मंत्र बता दो बस पैसा ही पैसा हो जाए, और ऐसा व्यापार बढ़ जाए और वैसा बढ़ जाए। यानी तुम धर्म तो कर रहे हो पर धन के लिए कर रहे हो। तो धर्म की सेवा संसार में कम है, धर्म का दोहन ज्यादा है, धर्म को लोग दोहने लगे हैं। नाम कीर्तन करेंगे तो वहां धनोपार्जन, कथा है तो धनोपार्जन, सेवा पूजा है तो धनोपार्जन, हर जगह धर्म को केवल एक धन का कारण, धन के लिए बना दिया गया है। तो मान लो भाई धन आता भी है तो उसका क्या करें? तो बोले जो धन आता है, तो बोले नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतम्। जो अर्थ तुम्हारे पास है भी, तो वो तुम्हारे अपने सुख सुविधा के लिए नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो अपनी कमाई खा रहे हैं। भागवत जी का सिद्धांत है कि यावत ह्रियेत जठरम तावत सूक्ष्म ही रहिना। मनुष्य का अधिकार उतने पर ही है जितने में उसका पेट भर जाए। उसके अलावा यदि वो लेता है या इकट्ठा करता है तो वो चोर है। और इस सिद्धांत से अगर देखा जाए तो संसार में हम तुम सब चोर ही भरे पड़े हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि अपनी 2 रोटी पाके कोई संतुष्ट हो, ऐसा कोई नहीं। मनुष्य का अधिकार केवल इस पेट का गड्ढा जितने में भर जाए, बस उतने पर अधिकार है।
उससे ज्यादा यदि पाने के लिए वो प्रयास करता है या संग्रह करता है तो चोर है, वो दंड का पात्र है। लोग कहते हैं हम तो अपनी कमाई का खा रहे हैं, अपनी कमाई से सुख सुविधा जुटा रहे हैं, इतना बढ़ रहा है हमारी कमाई तो है। अरे तुम्हारी कमाई केवल तुम्हारे पेट भर जाए बस उतनी तुम्हारी कमाई है, उससे अधिक यदि तुम्हारे पास है तो उस धन का